हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे परसेंटेज का एक ऐसा क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लेकिन वहां पर हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो इस वजह से हमें वहां पर ट्रिक से सॉल्व करना होता है। तो आज हम ट्रिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन देखेंगे। ये इलेक्शन का एक क्वेश्चन है जो परसेंटेज पर बेस्ड है। देखिए, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। जिस उम्मीदवार को 62% वोट मिले, उस उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को कितने वोटों से हराया? 144 यानी 144 वोटों से हरा दिया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। देखिए, दो उम्मीदवार हर एक इलेक्शन में होते हैं, यानी दो कैंडिडेट्स होते हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने 62% वोट्स मिले थे, और हारने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में 62 को हम माइनस कर देंगे तो हमें हारने वाले उम्मीदवार का परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो 38% आएगा हारने वाले उम्मीदवार को। कितने मिले होंगे वोट? 38%। ये हारने वाले उम्मीदवार को मिले 38%। अब देखिए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही वोटों का डिफरेंस होगा, ठीक है। यानी हारने वाले उम्मीदवार को 38% मिले और जीतने वाले को 62%। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वही वोट नंबर ऑफ वोट्स के बराबर था जिसके कारण उम्मीदवार हारा। तो 24% वोट्स और मिल जाते तो ये हारने वाला उम्मीदवार बराबर आ जाता, ठीक है। लेकिन 24% इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 144 के इज बराबर। तो 24% इज इक्वल टू 144। तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा? 144 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। ओके, सो 4 6 24 एंड 144 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 36 आएगा। फिर 6 6 36, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए? 600। ओके, हमें यही फाइंड आउट करना था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।